وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد ليلة القدر سے متعلق کل گزشتہ میں کچھ بات ہوئی تھی لیلۃ القدر سے متعلق زیادہ روایات جو آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات آئے ہیں وہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ پھر ان طاق راتوں میں جو زیادہ زور سے زیادہ قوت سے جو احادیث آئی ہیں وہ دلالت کرتی ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں شب میں ہے۔ اور اس 27ویں شب سے متعلق لیلۃ القدر کا ظن غالب ایک اور طریقے سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کہ لیلۃ القدر کا بنیادی طور پر ذکر قرآن کریم کی سورۃ القدر میں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم وہ لیلۃ القدر کس قدر محتم بالشان شاندار رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خود ہی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا وہ ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ ہزار مہینے کوئی عمل کوئی عبادت کرتا رہے اور اس کے مقابلے میں اس ایک رات میں کوئی بندہ عبادت کر لے تو اس نے ہزار مہینوں سے بہتر عبادت کر لی۔ تنزل الملائکۃ والروح، یوں تو ہر وقت فرشتے اتریں مگر لیلۃ القدر میں خاص جماعت فرشتوں کی اترتی ہے اور روح یعنی سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اترتے ہیں۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ ہر بات کو لے کر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، مسلسل سلامتی
बरसती रहती है यहाँ तक के फजर तुलू हो जाती है। मुसलसल इसलिए मैंने अर्ज़ कर दिया कि जुमला इस्मिया है जो दवाम व इस्तिमरार पर दलालत करता है। और जो नुक्ते की बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस लैलतुल क़द्र का शानदार तज़करा सूरतुल क़द्र में है और सूरतुल क़द्र में जिस तरह लैलतुल क़द्र का तज़करा है, इसी तरह इस बात का भी तज़करा है कि क़ुरान को भी हमने लैलतुल क़द्र में उतारा। और इस सूरतुल क़द्र के अगर अल्फाज आप शुमार करें, इन्ना अंजलना से आखिर तक, ये अल्फाज कुल 30 बनते हैं। ये अल्फाज कुल 30 बनते हैं। आप देखें कुरान करीम के पारे भी 30 हैं। क़ुरान को हमने उतारा, इस बात को अल्लाह ने सूरतुल क़द्र में बयान किया और सूरतुल क़द्र के अल्फाज आप शुमार करें तो वह 30 बनते हैं। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैला अल-क़द्र वमा अदराका मा लैलतु अल-क़द्र लैलतु अल-क़द्र खैरुन मिन अल्फ शहर तनज़ल अल-मलाइका वर्रूह फ़ीहा बिइज़्न रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिया हत्ता मतला अल-फज्र। शुमार कर लीजिए, 30 हो गए। और इसमें एक और शानदार लुत्फ की बात, सलामुन हिया हत्ता, सलामती उतरती रहती है इस लैलतुल क़द्र में यहाँ तक के सूरज तुलू हो जाए, फजर तुलू हो जाए। तो हिया, हिया का मिस्ताक ये लैलतुल क़द्र है। और सूरह क़द्र के अल्फाज के शुमार में हिया 27वें नंबर पर है। और इससे और लुत्फ़ की बात, आप देखें लैलतुल क़द्र 3 दफ़ा आया है सूरतुल क़द्र में, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र 3 दफ़ा हो गया। पहली मर्तबा अल्फाज में ये 5वें नंबर पर आया है, दूसरी दफ़ा 10वें नंबर पर आया है, तीसरी मर्तबा 12वें नंबर पर आया है। 5, 10, 12 को जमा करो कितना होगा बताइए ज़रा, 27। 10 और 12, 22, 5 को जमा करो 27। अजीब, गोया सूरतुल क़द्र में लतीफ़ इशारा मौजूद है कि लैलतुल क़द्र कब है। अच्छा, फिर
एक और नुक्ता भी ले लीजिए, लैलतुल क़द्र की से मुतालिक अहादीस तो कसरत से आई हैं और ज़्यादातर लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी ताक रातों में ढूंढने का हुक्म आया है। उलमा भी हमेशा ताक रातों से मुतालिक ही रिवायात को कसरत से बयान करते रहते हैं, लेकिन आवाम में हमेशा 27वीं की रात का एहतमाम ज़्यादा रहा है। लोग समझते हैं भाई ये लैलतुल क़द्र जो है वो 27 को ही है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ुयूज़ुल हरमैन में एक शानदार बात लिखी, फरमाया जब अल्लाह की मखलूक की कसरत को किसी जायज़ नेक काम की तरफ मुतवज्जे देखो तो उनको यूं ना जुटला दो, वो तकवीनी तौर पर किसी खैर की तरफ ही मुतवज्जे होते हैं और उसकी कोई ना कोई शरीयत में असल इशारा नुक्ता मौजूद होता है। बस ये रात आ रही है, असल तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशादात के मुताबिक हर ताक रात में इसको ढूंढना चाहिए। आपके अमूमी इरशादात इसी तरह हैं, ताहम 27 से मुतालिक आपके बाज इरशादात की कुव्वत और ज़ोर भी मौजूद है और सूरह क़द्र में कुछ इशारात भी मौजूद हैं कि ये लैलतुल क़द्र 27वीं शब में है, तो उस रात में ज़रा सा ज़्यादा एहतमाम हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको आने वाली इस मुबारक रात की बरकात हासिल करने की और समेटने की तौफीक अता फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।